दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। कल हमने आपको पवन हॉस्पिटल के बाहर से लाइव दिखाया था। वहां पर ट्विंकल यादव नाम की एक महिला की मौत हुई थी और वहां पर लाठीचार्ज भी हो गया था। फरीदाबाद पुलिस ने आक्रोशित परिजनों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई थी। हालांकि अभी पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, ऐसी सूचना मिल रही है। बाकी इनके परिजनों से बातचीत करेंगे, बिट्टू बजरंगी से बातचीत करेंगे, पूछेंगे फरीदाबाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, हर चीज़ की अपडेट आपको देंगे। तो यहाँ पर पुलिस भी आई हुई है, उधर उनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा। सेक्टर 58 पुलिस थाने की टीम है, ज़रूर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बिट्टू बजरंगी जी से बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या कार्रवाई हो रही है इस मैटर में? कार्रवाई जी FIR नंबर 47 है और जो हमारे सेक्टर 65 के इंचार्ज साहब हैं ब्रह्म प्रकाश जी, वो बहुत अच्छे इन केसों को देखते हैं। पहले भी दो चार केस देखे हैं, अपना किरण नेगी वाला भी उन पे था, तो मैं CP साहब से मांग करता हूँ कि वो केस वही देखें, हमें उन पे संतुष्टि है। दूसरी बात, को पकड़ा है कुछ है जानकारी? शाहरुख खान को पकड़ा है, शाहरुख नाम है, लेकिन पता है भैया? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात हो गई, कन्फर्म बात चल रही है, फोन पे बात हो गई साहब से। तो FIR नंबर 47 है, लेकिन सबसे बड़ी बात बार बार मैं वही बोलता हूँ कि ये परिवार वाले जब हॉस्पिटल में गए तो हमें अंदेशा ये भी हो सकता है कि वो बच्ची जिंदा थी, लेकिन बच्ची को मिलने नहीं दिया, परिवार वालों को बच्ची से मिलने नहीं दिया और उसकी हमें डेड बॉडी मिली। और जब परिवार वालों, भाई जो मेरा, अगर हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, पवन हॉस्पिटल राजू कॉलोनी में, अगर मेरे परिवार में से कोई मरेगा तो थोड़ा बहुत तो मैं चिल्लाऊंगा, रोए पीटूंगा। तो वहाँ पर एक हमारे विकास जी हैं SI सेक्टर 58 के और मकसूद जी, ये इन्होंने लाठीचार्ज करवाई जो कि लाइव वीडियो में सब देख सकते हैं, कोई हम इसमें ये नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। उन पर कार्रवाई हो और वो सस्पेंड हो और परिवार वालों को मुआवजा मिले। और अभी तक लड़की की माँ और लड़के का बाप, जो शाहरुख का माँ और बाप, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए, उनकी गिरफ्तारी की मांग हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, तभी हमें संतुष्टि मिलेगी और दोषी को फांसी की सजा हो। क्योंकि हमारे फरीदाबाद में मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से और अनिल विज हमारे जो गृहमंत्री हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ और मांग करता हूँ, हमारे फरीदाबाद में आए दिन, और आपके माध्यम से आपको पता भी है, आए दिन हमारे फरीदाबाद में लव जिहाद और धर्मांतरण के केस रुक नहीं रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन हत्याएं हो रही हैं। और इसका हिंदू समाज अगर विरोध करता है, अगर किसी बात पे आवाज़ उठाता है, तो उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होते हैं। यानी कि हमारे घर में मौत हो गई, हमारी बच्ची की, हमारे व्यक्ति की मौत हो गई, जैसे पहली पिछली बार मार दिया था और हमने BK पे जाम लगा दिया था। हम इसलिए विरोध करते हैं कि हमारी बात ऊपर तक जाए, लेकिन हमारी बात को दबाया जाता है हर तरीके से कि भाई ठीक है कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होती तो ये लाठीचार्ज नहीं होती। पीड़ित परिवार से मिलके उनको अपने उसमें लेके उनके मरहम लगाने का काम होता है, हमारी बच्ची की मौत हो गई और हम पे लाठीचार्ज। ये कह रहे हैं कि जी एक चोट लगी एक भाई को, पुलिस मुलाजिम को, हमारे 9 लोगों को चोट लगी है, उन्होंने गर्म पट्टी बांध रखी, उनकी चोट तो दिख गई, हमारे 9 लोगों को चोट लगी है, हाथ टूट गए, पलस्तर चढ़े हुए हैं, कमर टूट गई, ये नहीं दिखाई दे रहे। तो मैं हमारे अपने CP साहब से बोलता हूँ मैं, क्योंकि CP साहब के संज्ञान में है नहीं है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि चाहते हैं कि मामला ऊपर तक पहुँचे ही ना। तो CP साहब से मैं निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए अपने हिसाब से कार्रवाई करवाएं। अब जो सूचना मिल रही है कि ट्विंकल यादव पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था, और इनके भाई ने बताया कि भाई वो कहती थी मैं इनके हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगी क्योंकि ये जो है हिंदू समाज से हैं, तो पूरी तरह से उसको टॉर्चर किया गया, ऐसा कल बताया गया। था परिवार वालों ने पहले भी कंप्लेंट दे रखी थाने में, शादी के बाद भी उसको मारा पीटा जाता था और उससे ये बोलते थे तो अपना इस्लाम ग्रहण धर्म कर ले, ग्रहण कर ले, नहीं तो हम तेरे हाथ का पानी भी नहीं पियेंगे। उसके साथ मारपिटाई होती थी और जबरन उसको जो उनके धर्म में मांस खिलाया जाता है उस मांस खिलाने को उसको बोला जाता था, लेकिन बच्ची ने हर बार विरोध किया और उसका खामियाजा उसको
मौत के घाट उतरकर उसको भुगतना पड़ा। तो कह रहे हैं इनके तो कुछ बच्चे भी हैं, एक दो बच्चे भी हैं, कुछ है जानकारी? हाँ, एक छोटी बच्ची है 2 साल का। भैया परिवार? हाँ, ये परिवार के हैं, 2 साल का। 2 साल की लड़की है जी, और 1 महीने का लड़का है जी इसके पास। दो बच्चे हैं? हाँ, दो बच्चे हैं जी। तो पहले से इसको परेशान करते? हाँ जी, इसको पहले से ही परेशान करते जी। जात बिरादरी के ऊपर इसका विरोध था कि तुम मुसलमान नहीं बन जा, और जब तक हम मुसलमान नहीं बन जा, हिंदू रहेगी तो हमारे घर में नहीं रहेगी, मुसलमान नहीं बन के रहेगी तो ये रहेगी। इसने कहीं नहीं, मैं अपने हिंदू के ही सारे वचन वो करूंगी। इसी 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 के ऊपर इसको मारा गया है जी। घर आती जाती थी आप लोगों के? हाँ, आती जाती थी, बात बात करती थी जी वैसे, पर और कोई नहीं आता जाता था उनके घर से। तो परेशानी अपनी बताती थी कि भैया टॉर्चर करते हैं? कंप्लेंट करी हुई है जी, बताती भी थी जी, पर हम ये कहते कोई बात नहीं, 6-6 महीने में सुधर जाएगा, कोई बात नहीं, पर ये नहीं माना। लास्ट में इसने धमकी पहले से ही देता आ रहा है कि तेरे को मार देंगे अगर तेने धर्म नहीं अपनाया तो हमारा। तो कल से किसी ने संपर्क करने का प्रयास किया आप लोगों से, और कुछ अपनी तरफ से सफाई देने का प्रयास किया? नहीं, कोई संपर्क देने का कोई नहीं। हमें तो आस पड़ोसों से पता चली है जी, ऐसा ऐसा हुआ है जी। मेरी बच्चियों से निवेदन है, हमें उन लोग हर बार हमारी बच्चियाँ इस झांसे में आ जाती है कि मेरा वाला अब्दुल्ला सही है। ये हमारी बच्चियों को सोच बदलनी पड़ेगी, ये जिहादी किस्म के लोग हैं, ये गंदगी के लोग हैं, ये ऐसा नहीं मानते, ये अपने धर्म में अपने बच्चों को नहीं छोड़ते, तो हिंदू धर्म को क्या ये अच्छा समझेंगे। मेरी अपने हिंदू बच्चियों से अपील है कि हिंदू बच्चियों अब भी समझ जाओ, अभी इतना टाइम नहीं बिगड़ा, नहीं तो ये हर बार तुम बोलो कि मेरा अब्दुल्ला सही है लेकिन तुम्हें लाश ही मिलेगी। कितनी बार लाश मिली है, 35 टुकड़े हो गए, कोई बैग में मिली है, कोई नहर में मिली है, किसी को गोली मार दी। हमारी बहन निकिता तोमर जी को उन्होंने भी इस्लाम ग्रहण नहीं करा था, यानी कि धर्म को परिवर्तन करने के नाम पर वो, अगर वो मैं हिंदू हूँ, चलो मैंने शादी कर ली, तो उसको बोलते हैं तू मुसलमान बन, और हमारी बच्चियाँ उसका विरोध करती हैं तो उनकी मौत ही होती है। ये मेरा सारा सीधा संदेश है अपनी बच्चियों से कि लव जिहाद में ना फंसे। चलो, अब तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, आपका कहना है? पुलिस तो कोई लेकिन अभी हम जो है ना, अभी सी पी साहब से मांग करेंगे, और हम शायद ऊपर तक अनिल विज तक ये बात पहुँचाएंगे कि जो ये विकास जी और मकसूद जी, इसका सस्पेंड होने चाहिए, क्योंकि पीड़ित परिवार पे उनको मिलकर उनको मरहम लगाना चाहिए और उन पर लाठीचार्ज करा। इस बात किसी ने लिखित शिकायत की है इनके खिलाफ? जब तक शिकायत नहीं जाएगी, देखो जी, हम तो आला अधिकारी से बोल रहे हैं, यही शिकायत है जी, लिख के देंगे, वही चीज है। अफसरों को पता है, हम बार बार बोल रहे हैं, कल भी बोली, मैंने आज भी बोली है, हमारे जितने सच्चो साहब है, मेरी जितने सब, तो मीटिंग मेरी बात हो गई है कि भैया ये हमें दो नाम है, इनको सस्पेंड करो। पुलिस का कहना वहाँ पर अचानक पत्थरबाजी होने लगी, तो उनको ऐसा कदम? देखो, पत्थरबाजी क्या है, विरोध हुआ था तो पत्थरबाजी कोई नहीं हुई थी, वीडियो में साफ है, जो है वो वीडियो में दिख रहा है ना। मैं कुछ बोल दूँ, मैं कुछ बोल दूँ अपने तरफ से, वो थोड़ा माना जाएगा जी, मैं भी तो कुछ बोल सकता हूँ झूठ, लेकिन जो सामने न्यूज वाले भी खड़े हैं और भी सब पब्लिक खड़ी है, चलो सब दिख रहा है, लाइव दिख रहा है, लाइव दिख रहा है, सीसीटीवी चेक कर लो किसने क्या करा है, स्टार्टिंग में क्या नहीं करा है, ये भी कहा सही आपने, सीसीटीवी, हाँ बिल्कुल, सीसीटीवी चेक कर लो, यानी कि परिवार वाले जाते हो पत्थरबाजी करने लगे, कोई एक आध जिसने बोल दिया होगा कभी। मामले को डाउटफुल बनाया गया, बिल्कुल पहले झूठ बोला गया, पवन हॉस्पिटल की तरफ से गुमराह किया गया। मैं सीपी साहब से मांग करता हूँ, ऐसे हॉस्पिटल जितने भी हो, पवन हॉस्पिटल ही नहीं, जो गरीब आदमियों को लूटपाट के काम कर रहे हैं, अंदर मरीज मर जाता है और बाहर बोलते हैं आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें पवन हॉस्पिटल की शिकायतें बहुत थी और कल भी ये संलिप्त रहा है। तो उन्होंने बोल दिया, कोई बता रहा था, परिवार ही बता रहा था कि बोला बीके गई आपकी डेड बॉडी है, लेकिन फिर पता चला वहीं पर है, गुमराह किया। झूठ बोलने की क्या जरूरत, क्या जरूरत थी उनको, भाई डॉक्टर है तो उन्हें क्या लालच है ऐसा, क्या क्या उनको क्या उन्होंने सांठगांठ की है, ये भी सिस्टम है, परिवार वालों से सांठगांठ की है। भाई लड़की एडमिट थी, फोन करना चाहिए था ना, तो डॉक्टर ने करा ना शाहरुख खान के परिवार वालों ने करा, परिवार वालों को फोन करते भाई तुम्हारी लड़की है ऐसे ऐसे हो गई है, मरी है या मारी है जो भी है, तो फिर हमें पता पड़ती है, हम अपने बच्चे से बात करते हैं, हमारी बच्ची को तो मिलने नहीं दिया, उसकी लाश मिली है हमें, तो हमें पता पड़ती है ऐसा होने के, एकदम मर जाता कोई एकदम, और फांसी से मरी है तो फिर उन्होंने मारी है, और फांसी पे मान लो लड़की भी है तो पुलिस को बोलना चाहिए था, भाई ऐसा हो गया।
बिल्कुल पुलिस को बोलना चाहिए, सूचना देनी चाहिए, पड़ोसियों को नहीं फोन करा उनको परिवार वालों को कि तुम्हारी लड़की के साथ मारपिटाई हुई है, बताया उनको फोन भी नहीं किया। चलो अभी पोस्टमार्टम में हर चीज सामने आ जाएगा कि क्या हुआ था, चोट आएगी, गले पे निशान आएगा, हर चीज आ जाएगा और उसके आधार पे पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन आप सबकी न्याय की मांग है भैया, बिल्कुल न्याय की, सब कोई न्याय चाहता है, हैं? घुमा के दिखाइए, जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो सब कह रहे हैं न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, आप लोग देख रहे हैं, हाँ न्याय होना चाहिए, तो देख रहे हैं सभी लोग न्याय मांग रहे हैं। आइए थोड़ा सा बाहर से, हाँ न्याय चाहिए इनको, इनका कहना है कि पुलिस कार्रवाई करे और उनको गिरफ्तार करे जिन्होंने ऐसा काम किया। हालांकि पुलिस यहां पर भारी संख्या में मौजूद है, पुलिस को लग रहा है कि भीड़ बढ़ती जा रही है तो मामले को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स की भी ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से यहां पर पुलिस फोर्स मंगाई गई है। बाकी बातचीत कर लेंगे, सेक्टर 58 थाने के सब इंस्पेक्टर हैं, एडिशनल SHO हैं, वो भी आए हुए हैं और भी तमाम यहाँ पर पुलिस है, उनसे बातचीत कर लेंगे क्योंकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है ऐसी सूचना मिली है। SHO साहब भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। सर थोड़ा बातचीत बताएंगे सर FIR वगैरह के बारे में, FIR वगैरह हुई सर? हाँ होगी, शाम को ही होगी। अच्छा अच्छा, जो तो लड़की के भाई ने बयान दिया उसी बयान पे हमने FIR दर्ज कर दी। अच्छा, तो किसी को पकड़ा भी है? हाँ लड़के को पकड़ा, शाहरुख को। हाँ जी। अच्छा आगे क्या कार्रवाई होने वाली है? कोई गिरफ्तार होगा इसमें? हाँ और भी होंगे जल्दी से जल्दी। ठीक सर, धन्यवाद, धन्यवाद। तो देखिए पुलिस ने कहा मुकदमा दर्ज हो गया है, एक को गिरफ्तार कर लिया है शाहरुख को, आगे जो भी इस मामले में जिनका नाम है और जो गुनहगार पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होगी, किस तरह से कार्रवाई होगी, हर चीज़ की डिटेल आपको दी जाएगी। फिलहाल क्राइम ब्रांच भी इस मामले में कार्रवाई कर रही है और फरीदाबाद पुलिस के आला अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला है, कड़ी कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। जो भी होगा आपको ज़रूर बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।